ये कहानी एक घने और रहस्यमय जंगल से शुरू होती है, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आकाश से बात करती है और हर कोने में प्रकृति की आवाजें गूंजती रहती है। इसी जंगल में रहती थी एक गर्भवती हाथीनी जिसका नाम सुधा था। वो अनाथ थी क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक शिकारी दल ने उसके पति को मार दिया था। तब से वो अकेली थी, मगर जंगल का राजा शेर वीर उसकी देखभाल करता था। वीर ने सुधा को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था और वो हमेशा उसे सुरक्षित रखता था। सुधा, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, जंगल में खतरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। वीर, तुमने हमेशा मेरी देखभाल की है, तुम्हारे बिना मैं अकेली और कमजोर महसूस करती हूँ, लेकिन तुम हर बार मेरे लिए यहाँ नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इस जंगल का हिस्सा हो और मैं इस जंगल का राजा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। उन दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, दोनों की आँखों में एक गहरा रिश्ता झलकता है। दूसरे ओर जंगल के एक काले और रहस्यमय हिस्से में, जहाँ अंधेरा हमेशा बना रहता है, एक जादुई शेर अग्नि शैतान की पूजा कर रहा होता है। अग्नि की एक खास पहचान थी, उसके पास विशाल पंख थे जो उसे हवा में उड़ने में और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की शक्ति देते थे। अग्नि एक विशाल पत्थर के सामने खड़ा होता है जहाँ एक शैतानी धुआं उड़ता है और उसकी आँखों में चमक आ जाती है। ओ अंधकार के भगवान, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इस पूरे जंगल का एकमात्र राजा बन सकूं। कोई भी मुझसे ताकतवर ना हो। तुम्हें शक्ति मिलेगी, मगर इसकी कीमत है। इस बार तुम्हें एक गर्भवती जानवर की बलि लेनी होगी। उसकी बलि के बाद तुम्हें वो असीम शक्तियाँ मिलेगी जिनसे कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अग्नि की आंखों में लालसा चमक उठती है। उसी वक्त उसके साथी और चालाक शिकारी ब्लैक पैंथर वहाँ आता है। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बलि कौन होगी। जंगल में एक गर्भवती हाथीनी है जिसका नाम सुधा है। उसकी बलि दे दो और तुम्हें अपार शक्तियाँ मिल जाएगी, मगर एक समस्या है। उसकी रक्षा जंगल का राजा शेर वीर कर रहा है। कोई भी शेर मेरी राह में नहीं आ सकता। हम वीर से छुटकारा पाने का तरीका निकालेंगे। दोनों मिलकर एक शैतानी योजना बनाते हैं। अगले दिन ब्लैक पैंथर वीर के पास आता है। वीर, जल्दी आओ, तुम्हारी शेरनी को लकड़बग्घों ने घेर लिया है, वो मुसीबत में है। शेरनी? लकड़बग्घों ने? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ, मैं सुधा का ध्यान रखता हूँ, कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। वीर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी शेरनी की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। ब्लैक पैंथर उसकी चालाकी पर मुस्कुराता है और छिपे हुए जादुई शेर अग्नि को इशारा करता है। अब रास्ता साफ है, हाथीनी को उठाने का समय आ गया है। अग्नि अपने विशाल पंख फैलाता है और सुधा को जादू से बेहोश कर देता है। चलो बलि की तैयारी करो। वीर लकड़बग्घों की तलाश में भटकता रहता है, मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने धोखा खाया है। ये एक चाल थी, ब्लैक पैंथर ने मुझे धोखा दिया है, सुधा खतरे में है। वीर तेजी से सुधा के पास लौटता है, मगर वो उसे वहाँ नहीं पाता। उसकी आंखों में गुस्से और चिंता का समावेश होता है। मैं इस धोखे को नहीं सहन करूँगा, सुधा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीर अब जादुई शेर अग्नि का पीछा करना शुरू करता है। उसके दिल में सुधा और उसके बच्चे की सुरक्षा की चिंता गहराई से बैठी होती है। जादुई शेर अग्नि ने सुधा को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर ले जाकर जादू से हवा में लटका रखा है। वो बलि की तैयारी कर रहा है। शैतानी शक्तियाँ आसपास मंडरा रही है। अब तुम्हारा अंत करीब है। एक बार जब तुम्हारी बलि होगी
मुझे वो असीम शक्ति मिलेगी। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। ठीक उसी वक्त वीर वहाँ पहुँचता है। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही होती है। अग्नि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुधा को छूने की? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो वीर। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तुम्हारे जमीन की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं। वीर बिना डरे आगे बढ़ता है, मगर तभी शैतान के काले जादू से वीर को हवा में जकड़ लिया जाता है। अब वीर असहाय हो जाता है। अब देखो वीर, तुम्हारी ताकत कितनी मामूली है। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी थी, मगर वो जादू तुम्हारे किसी काम का नहीं। उसी समय एक बूढ़ा बंदर रुद्र, जो काले जादू की गहरी समझ रखता था, ये सब देख रहा होता है। वो अपने काले जादू अच्छे कर्मों के लिए ही इस्तेमाल करता था। अब समय आ गया है कि मैं इस अंधकार को रोकूं। वीर को बचाना ही सही काम है। रुद्र अपने जादुई दंड से वीर को वीर के जादू से छुड़ाता है और उसे नई असीम शक्तियां प्रदान करता है, और वीर अब और भी शक्तिशाली हो जाता है। वीर, अब तुम्हारी वो शक्ति है जिसमें तुम अग्नि और शैतान दोनों को हरा सकते हो। जंगल की आत्मा तुम्हारे साथ है। ये शक्ति अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वीर पहले शैतान पर हमला करता है और उसे अपनी नई शक्ति से नष्ट कर देता है। शैतान काले धुएं में बदल कर गायब हो जाता है। अग्नि ये देखकर चौंक जाता है। ये शक्ति अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वीर पहले शैतान पर हमला करता है और उसे अपनी नई शक्ति से नष्ट कर देता है। शैतान काले धुएं में बदल कर गायब हो जाता है। अग्नि ये देखकर चौंक जाता है। तुमने शैतान को मार दिया, ये कैसे? शैतान की हार के बाद जादुई शेर अग्नि गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी लाल लाल आंखें जलने लगती है और उसके विशाल पंख तेज हवाओं की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। हाँ, तुमने शैतान को मार दिया, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तुम्हें मुझ तक पहुँचने में उम्र बीत जाएगी। अग्नि हवा में ऊंचाई पर उड़ जाता है, जहाँ से वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वीर पर हमले करता है। तेज हवा के झोंके, आग की लपटें और बिजली की चकाचौन वीर को हर दिशा से घेर लेती है। वीर अपनी जगह खड़ा रहता है, लेकिन अब वो पहले जैसा शेर नहीं है। उसे रुद्र द्वारा दी गई शक्तियों का एहसास हो रहा है। तुम्हारे पंख हो सकते हैं अग्नि, लेकिन अब मैं भी सीमाओं से मुक्त हूँ। वीर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अचानक हवा में उड़ने लगता है। वो अब हवा में तैर सकता है और उसकी गति इतनी तेज है कि अग्नि भी हैरान हो जाता है। हाँ, ये कैसे संभव है? तुम तो एक साधारण शेर थे, तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? ये जंगल की शक्ति है जो हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देती है। आज तुम्हारी हार तय है। वीर और अग्नि के बीच आसमान में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों शेर अपनी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। वीर अपने नई उड़ने की शक्ति और जादुई ऊर्जा से अग्नि पर हमला करता है। अग्नि के पंख तेज गति से फड़फड़ाते हैं। वो आग और बिजली का इस्तेमाल कर वीर पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वीर अपनी चपलता और ताकत से हर हमले को रोक लेता है। वीर, याद रखो, शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती, ये जंगल की आत्मा की रक्षा के लिए होती है। वीर इस बात को समझता है और अग्नि के हर हमले से बचते हुए उसे थकाने की कोशिश करता है। अंततः वीर एक मजबूत और अंतिम वार करने का फैसला करता है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है अग्नि, अब ये जंगल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। वीर अपने पंजे से एक बड़ा जादुई कमाल करता है, जिससे आसमान में बिजली चमकने लगती है। एक शक्तिशाली चमक के साथ वीर अग्नि को जोर से धक्का देता है, जिससे अग्नि गिरने लगता है। उसके पंख कमजोर हो गए हैं
और वो जमीन पर गिर जाता है। नहीं, ये संभव नहीं, मैं हार नहीं सकता। वीर उसके पास आता है मगर उसे मारने के बजाय उसे चेतावनी देता है। तुमने इस जंगल के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अब ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना ये जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझे? अग्नि अपनी हार स्वीकार करता है और अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ जंगल छोड़कर चला जाता है। अग्नि के जाते ही वीर वापस सुधा की ओर मुड़ता है, जो अभी भी जादू के प्रभाव से बेहोश थी। वीर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके सुधा को धीरे धीरे हवा से उतारता है और उसे जमीन पर लाकर होश में लाता है। वीर, क्या सब ठीक है? हो सुधा, अब सब ठीक है। कोई भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सुधा वीर की ओर कृतज्ञता से देखती है, उसकी आंखों में आंसू है मगर वो अब सुरक्षित महसूस करती है। बूढ़ा बंदर रुद्र पास आता है। वीर, तुमने आज न केवल सुधा और इस जंगल को बचाया, बल्कि तुमने अपनी सच्ची शक्ति का भी एहसास किया। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे राजा की पहचान होती है। शक्ति केवल जीतने के लिए नहीं होती रुद्र, ये उन लोगों की रक्षा के लिए होती है, जो हमारी जिम्मेदारी है। सुधा और वीर अब साथ साथ जंगल की ओर वापस चलते हैं, जहां सूरज की किरणें फिर से चमकने लगती है। जंगल में शांति लौट आई है और जानवरों में वीर के प्रति एक नया सम्मान जाग गया है।